नमस्ते प्यारे भाई, देखिए क्या बोलता है। 85 आइटम्स का जो मार्क प्राइस है वो किसके बराबर है? 153 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है प्यारे भाई। तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 153 बाई 85 आ जाएगा प्यारे भाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, जो सेलिंग प्राइस है 104 आइटम्स का वो किसके बराबर है प्यारे भाई? 65 आइटम्स के मार्क प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से भी रेशियो ले लेंगे, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा प्यारे भाई? यह आ जाएगा 65 बाई 104, ठीक है। तो इस रेशियो में तो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर इस रेशियो को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 153 बाई 85 इंटू 65 बाई 104, ठीक है प्यारे भाई। 17 से काटेंगे 5 बार, 17 से काटेंगे 9 बार, 13 से काटेंगे 5 बार, 13 से काटेंगे 8 बार, 5 से 5 कट जाएगा प्यारे भाई। तो सीधे जिस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 9:8 प्यारे भाई। 8 की चीज़ 9 में बेची है तो प्रॉफिट कितने का कमाया है? 1 रुपये का। कितने पर? 8 रुपये पर। तो 100 पर निकाल देंगे प्यारे भाई। 1/8 के फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 12.5% होती है। तो यही आंसर हो जाएगा।